मित्रों, मैं संयम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपको एडोब ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हमने लास्ट पार्ट शुरू किया था एजेंडा का, उसी के आगे काम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में जो देखा था उसमें देखा था कि अगर हमको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दी हुई है और अगर हमसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने क्या देखा था कि अगर ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस a का वर्ग कर देंगे, उसमें से दो को कटा देंगे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमने देखा था कि अगर यहाँ पर क्या है, प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तब भी हम क्या करेंगे, तब प्लस वाली कंडीशन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू, और माइनस वाली कंडीशन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस से आप जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस टू मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा था अगर यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का दिया और आपको माइनस का ही निकालना है, तब आप इस वाली कंडीशन को कैसे दे सकते हैं, आपको कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने देखा था ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस फोर कर देंगे, और अगर माइनस वाला निकालना है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस फोर कर देंगे। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, अब आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर चार, हमको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आप चाहें तो उन वीडियो को पहले देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर चार, तो x प्लस वन अपॉन एक्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, अगर इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये a है मतलब चार है, चार का क्या करोगे, क्यूब करोगे, चार का क्यूब क्या होता है, चौसठ, चौसठ में क्या करोगे, तीन ए को माइनस करोगे, इसका क्या होता है निकालने का तरीका, ए क्यूब माइनस थ्री, ए मतलब क्या, चार, चार का क्यूब किया आपने, क्या आ गया चौसठ, और चार में तीन का गुणा क्या क्या आ गया, चार तीन बारह, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्टी टू, ठीक है। ये आप डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप इसी चीज को क्यूब करके भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, आप उसको लगाएंगे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर दोनों जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया है तो आपको ये बात पता है कि ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है, याद कीजिए आपको बताया था, फिर से देख लेते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, यही होता है, हाँ यही होता है। तो अब आप इस चीज को इसमें लगाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी निकाला था, कैसे निकाला था, ए क्यूब, अब ये जो था वो किसमें था, प्लस में था, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, अब ये क्या है, किसमें है, माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस में क्या आता है माइनस, और माइनस में क्या आता है प्लस आता है, तो आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो ए क्यूब प्लस थ्री ए मतलब पांच का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 125, और पांच दिया 15, आपका कितना आ जाएगा 140, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगाकर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर फाइव है, आपको निकालना है x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये निकालना है, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे आप, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, यही होता है। अब देखिए अगर आप ये प्लस वाला फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें सभी जगह प्लस है, इससे आपको माइनस वाले की वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अब देखिए हमको निकालना दिया हुआ है माइनस का, निकालना है प्लस का, तो अगर मेरे पास यही वैल्यू प्लस में हो तो मैं प्लस वाला डायरेक्ट निकाल सकता हूं, तो प्लस में कैसे निकालेंगे, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि प्लस वाला निकालने के लिए क्या
क्या करते हैं, अगर ए दिया हो यहाँ पर 5 की जगह पे क्या ए हो, तो आपको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले माइनस का देखते हैं, देखा था हमने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 4, और अगर इसी प्रकार से हमको प्लस का दिया हुआ हो और माइनस का निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, यही करते हैं। माइनस का दिया हो प्लस का निकालना हो तो अंडर रूट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 4, और प्लस का दिया हो और माइनस का निकालना हो तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4, यही करते हैं। अब देखिए हमको माइनस का दिया हुआ है, प्लस का निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी है हमको, ए की वैल्यू 5 दी है, तो अंडर रूट में आप करेंगे 5 का वर्ग मतलब कितना 25, और 4 कितना आ जाएगा अंडर रूट में 29 आ जाएगा। अब अंडर रूट में 29 आई है, किसकी वैल्यू आई आपकी, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, अब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अंडर रूट में 29 आई है, आपको क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है। अब देखिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालने का अभी हमने तरीका देखा क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a, तो a क्यूब माइनस 3a आपने लगाया तो a क्या है हमारा रूट 29 है, तो रूट 29 का क्यूब करेंगे आप क्या आ जाएगा 29 रूट 29, क्यों, क्योंकि देखिए अब जैसे कि मैं बोलूं रूट 2 है, तो रूट 2 में आपको क्यूब करना है मतलब कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, तो 3 बार गुणा करो तो रूट 2 में रूट 2 का गुणा किया कितना आ गया 2 आ गया और रूट 2 बचा, इसी प्रकार से रूट 29 का कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए माइनस 3 है मतलब क्या, 3 गुणा क्या है a की भी जगह क्या है रूट 29 है, तो अब देखिए हमको किसका निकालना है, प्लस का निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 29 रूट 29 में से माइनस क्या करेंगे हम 3 रूट 29 को करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 26 रूट 29, ये आपका क्या जाएगा आंसर जाएगा। आप इसी चीज को इस वैल्यू में क्यूब करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बराबर क्या है, 4 है। अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, पर इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, यहाँ पर इस पूरे को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, पर इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर a की जगह पे क्या है 4 है, तो हमको निकालना क्या है, प्लस वाला निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, a क्यूब माइनस 3a, तो a मतलब क्या 4, 4 का क्यूब करेंगे कितना 64, 64 में से अब देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका 4 है, तो 64 में से क्या माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस चीज को डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 बराबर कितना है 4 है, आप इसका होल ऑफ क्यूब करेंगे क्या आएगा, x माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का क्यूब प्लस क्या 3ab, ab करेंगे तो आप ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 बराबर क्या 64 हो जाएगा 64। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू को कितनी दी है 4 दी है, तो x माइनस 3 का होल ऑफ क्यूब प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल ऑफ क्यूब बराबर कितना 64 में से कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। या पूरे तरीके से भी कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, इसके अलावा डायरेक्ट कर सकते हैं a क्यूब माइनस 3a से, ठीक है, इसमें यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवे क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप, पांचवा क्वेश्चन भी 2a माइनस 2 अपॉन a प्लस 4 बराबर क्या दिया आपको 0 दिया है, आपको वैल्यू किसकी निकाली a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 14 की वैल्यू निकाली। आप देखिए यहां पर हमको जो क्वेश्चन हमने सीखे वो क्या है x प्लस 1 अपॉन x इस प्रकार से देखिए, पर यहां पर क्या आ गया यहां पे 2 आ गया, तो हम इसमें क्या करते 2 को कॉमन ले लेते, तो वापस क्या बन जाता है ये इस प्रकार से बन जाता है, वैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे तो देखिए 2 दिया हुआ है, 2 कॉमन लिया हमने इसमें से और इसमें से आपने 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1 अपॉन a बचेगा प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं होगी। आगे करते a माइनस 1 अपॉन, अब देखिए प्लस 4 था इधर जाके किसमें हो गया, इधर जाके किसमें हो गया माइनस 4 हो गया, ठीक है, तो a माइनस 1 अपॉन a, अब देखिए 2 यहां पर इनटू में है नीचे जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 4 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा माइनस का
टू आ जाएगा, मतलब ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस टू आई। ठीक है, अब देखिए ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू माइनस टू आई है, हमको निकालना क्या है, क्यूब वाला निकालना है। तो क्यूब वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस थ्री ए करते हैं। तो ए क्यूब प्लस थ्री ए लगाएंगे आप, ए क्यूब प्लस थ्री ए लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब करेंगे क्या जाएगा, माइनस का एट प्लस आप करेंगे माइनस टू में थ्री का इंटू, तो थ्री टू जा सिक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स। इसको जो करेंगे आगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, आठ और छह चौदह, माइनस का क्या फोर्टीन। अब देखिए प्लस फोर्टीन ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन बराबर जीरो, आंसर क्या जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि इधर आया माइनस फोर्टीन, इधर क्या है प्लस फोर्टीन बराबर क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, दो दिया हुआ है, आपको निकालनी है एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको देखते से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, आपको बोला एक्स की पावर सिक्स निकालना है, इसमें कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आपको एक्स की पावर सिक्स निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं क्या रख दू, वन रख दू, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब एक्स एक्स की जगह पे क्या आ रहा है मेरा, एक्स की जगह पे वन रख दू तो वन का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, वन ही आएगा, तो वन प्लस वन टू आ रहा है आपका। तो ऐसे ही अगर मैं एक्स की पावर छ की जगह पे वन रख दू, मतलब वन की पावर छ करोगे आप कितना आएगा वापस, वन ही आएगा, मतलब इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दिया है, पांच दिया है, आपको क्या निकालना है, x की पावर छ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर छ। अब देखिए हमने अभी तक जो देखा वो क्या था, x की पावर थ्री था, x की पावर टू की बात की हमने, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की बात की, अब हमको क्या निकालना है, एक्स की पावर छह निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर पांच दिया हुआ है, अब छह की पावर लगानी है, तो क्या मैं पहले इसका स्क्वायर कर दू, स्क्वायर करने के बाद अगर मैं थ्री का क्यूब कर दू तो क्या मुझे छह की पावर मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो इसी चीज को पहले क्यूब कर दें फिर इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें या वर्ग कर दें, तो भी आपको क्या मिल सकती है, एक्स की पावर छह मिल सकती है। अब देखिए इसका आपने वर्ग किया तो अब इसको पूरे डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि प्लस वाला है आपको प्लस वाला ही निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस टू करेंगे, ए क्या है हमारा पांच है, तो पांच का वर्ग किया आपने तो 25 में से दो घटाया कितना आ जाएगा आपका 23, मतलब आपकी ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी आई, 23 आई। अब आपको निकालना क्या है, एक्स की पावर छह निकालना है, तो एक्स की पावर छह निकालने के लिए अगर आप इसका क्या कर दें क्यूब कर दें, आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको पता है प्लस वाला दिया हुआ है और प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस थ्री ए करते हैं, तो ए क्यूब माइनस थ्री मतलब 23 क्या है हमारा ए है, तो 23 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए 23 का क्यूब करना है तो पहले क्या करें, हम 23 का क्यूब निकालें। अब देखिए 23 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है, 529। अब इसमें 23 का क्या करें, गुणा कर दें, 23 का गुणा करें और फिर क्या करें, तीन में गुणा करके इसको माइनस कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसी चीज को फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अब इस चीज के अलावा देखिए, अभी आपने स्क्वायर वाला किया फिर हमने क्यूब किया, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी चीज को क्या कर सकते हैं, पहले क्यूब कर दें, पहले क्यूब करेंगे तो देखिए पांच का क्यूब करेंगे आप कितना हो जाएगा, 125 माइनस का क्या थ्री है, पांच दिया 15, ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपका कितना आ गया 110 आ गया। अब इसका आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ये आपकी वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो अब स्क्वायर वाली हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू, तो 110 का वर्ग करें माइनस का कर दें दो कर दें, तो 110 का वर्ग करोगे आप तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आप स्क्वायर करके क्यूब करोगे तो भी आएगा, क्यूब करके स्क्वायर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो 110 का वर्ग किया आपने, माइनस क्या किया दो किया, 110 का वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग हमको पता कितना होता है 121, और क्या किया 00 लगा दिया, माइनस टू करोगे कितना आ जाएगा आपका 12000
98 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आठवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन, तो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा नया टाइप का आ गया, हमने इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, पर इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, आप इसको भी इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है, तो मैंने क्या किया, देखिए अब ये जो इक्वेशन देखते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन। देखिए अब ये जो आपको बीच में क्या दिख रहा है, थ्री एक्स और सेवन एक्स दिख रहा है, हम एक काम करते हैं इसको एक साइड ले लेते हैं। एक साइड लेने का मतलब क्या है मेरा, कि हम इसको पीछे ले लेते हैं, प्लस में आगे पीछे कर दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों में से क्या किया, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो क्या हो गया, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस क्या हो गया, थ्री एक्स हो गया। ऐसी नीचे वाले में किया मैंने, तो x कॉमन लिया तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस में क्या आ गया आपका, सेवन एक्स आ गया। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मुझे क्या दी है, पांच दी हुई है, तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, दोनों जगह पे पांच रख दिया, तो पांच रखा तो उधर क्या हो गया, पांच एक्स, तो पांच एक्स और तीन एक्स कितना हो गया, आठ एक्स। ऐसे ही आप पांच एक्स रखा तो पांच एक्स और सात एक्स कितना हो गया, बारह एक्स हो गया। तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, आपका कितना आ गया, दो बटे तीन, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं एक्स की पावर फाइव को, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक्स की पावर फाइव निकालना है तो आप एक्स की पावर टू और एक्स की पावर थ्री जो है उसका क्या कर दे, गुणा कर दे। तो गुणा करते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें किसका गुणा करें, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का गुणा करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस टू, स्क्वायर वाला है तो ए क्या है हमारा तीन है, तीन का वर्ग किया आपने, कितना आएगा नौ, नौ में से दो घटाया कितना आ गया, सात आ गया। ऐसे आपने क्यूब वाले की वैल्यू निकाली, कितनी आई थी, अठारह आई थी, क्योंकि ए क्यूब माइनस थ्री है, ए क्या है हमारा तीन है, तो तीन का आपने क्या किया, क्यूब किया, तीन का क्यूब सत्ताईस माइनस नौ कितना आ गया, अठारह आ गया। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा आपने किससे किया, एक्स की बात तीन से किया, कितना आ गया, एक्स की बात पांच आ गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा किससे किया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर से किया, कितना आ गया, वन अपॉन एक्स आ गया। ठीक, आगे आपने वन अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा किससे किया, एक्स क्यूब से किया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स बचा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा किया वन अपॉन एक्स क्यूब से, कितना आ गया, वन अपॉन एक्स की बात फाइव। अब 18 से कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको निकालना है x की बार 5 की वैल्यू, तो उसको साथ में कर लेते हैं, x की बार 5 प्लस 1 अपॉन x की बार 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना, 126 हो जाएगा। ठीक है, x की बार 5 प्लस 1 अपॉन x की बार 5। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमको कितनी दी है, 3 दी है, तो हमने क्या रखा, 3 रखा, बराबर कितना, 126 हो गया। तो x की बार 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव बराबर कितना, 126 में से तीन घटाया कितना हो गया आपका, 123। ये आपका एक्स की पावर फाइव का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं एक्स की पावर सिक्स। एक्स की पावर सिक्स हमने अभी क्वेश्चन में देखी है, कैसे निकाल सकते हैं आप, क्यूब करके फिर स्क्वायर कर दो, या स्क्वायर करके फिर क्या कर दो आप, क्यूब कर दो, आपका एक्स की पावर सिक्स निकल जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको। अगला देखिए एक्स की पावर सेवन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन, ये कैसे निकालेंगे, अभी देखिए हमने क्या निकाला, x की पावर 5 निकाला, तो x की पावर 5 निकालने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर और क्यूब वाले को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसी प्रकार से x की पावर 7 निकालने के लिए अगर हम x की पावर 4 और x की पावर 3 का क्या करें, गुणा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, x की पावर 7 मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने एलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इन्हीं का उपयोग किया है। अगर ये आप बेसिक आइडेंटिटीज याद कर ले तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इस वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।